बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स टाइप इन अ टॉपिक। आइडेंटिफिकेशन। द पास्ट परफेक्ट आल्सो कॉल्ड द प्लूपरफेक्ट इज़ अ वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट। देखिए, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि ज़माने माजी में कोई काम हो चुका था, यानी वो काम मुकम्मल हो चुका था। जैसे वो खाना खा चुका था या सूरज ग़ुरूब हो चुका था। नाउ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। In past perfect tense, helping verb had will be used. देखिए, इसका structure ये होता है कि सबसे पहले तो subject, फिर helping verb, फिर verb की third form आती है, ठीक है, और फिर object. और past perfect tense में हमारा subject कुछ भी हो, हमें helping verb had use करना होता है. For example, हम पहले ही कराची रवाना हो चुके थे। We had already left for Karachi. देखिए, इसमें subject we है, had helping verb है, already पहले ही, ठीक है, रवाना left, ठीक है, for Karachi. We had already left for Karachi. वो bill अदा कर चुका था। He had paid the bill. इसमें देखिए subject ही है हमारा, ठीक है, और लेकिन उस पे भी हमें helping verb had ही use करना है। He had paid the bill. Subject, helping verb, third form of verb, and then object. He had paid the bill. वो सूरज ग़ुरूब होने से पहले घर पहुंच चुका था। He had reached home before sunset. Subject, helping verb, third form of verb, object. Before sunset, यानी कहा जा रहा है कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले, वो सूरज ग़ुरूब होने से पहले घर पहुंच चुका था। ही हैड रीच्ड होम बिफोर सनसेट। वो आईफोन ख़रीद चुकी थी। शी हैड बॉट एन आईफोन। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसकी नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ईजी होते हैं, इसमें सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद बस इसमें नॉट ऐड कर देते हैं हम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, पुलिस ने जुलूस को नहीं रोका था। पुलिस हैड नॉट स्टॉप्ड द प्रोसेशन। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। पुलिस हैड नॉट स्टॉप्ड द प्रोसेशन। मैंने आज तक चिड़ियाघर नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द ज़ू टिल टुडे। आई हैड नॉट सीन द ज़ू टिल टुडे। इसमें देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और मैंने आज तक नहीं देखा था तो इसलिए टिल टुडे। आई हैड नॉट सीन द ज़ू टिल टुडे। Now, structure of interrogative sentences of past perfect tense. Helping verb, subject, third form of verb and then object. इसका interrogative बहुत easy होता है, इसमें बस helping verb पहले आ जाता है, फिर subject, फिर verb की third form और फिर object. For example, क्या वो match जीत चुके थे? Had they won the match? Helping verb, subject, third form of verb and then object. Had they won the match? क्या पुलिस उसके भागने से पहले उसके घर को घेर चुकी थी? Had the police surrounded his house before he could run away? Helping verb, subject, third form of verb, object. अब इसमें देखें यह है कि before उसके भागने से पहले, ठीक है, तो before he could run away, यानी कि क्या वो भाग
सका था या मतलब उसके भागने से पहले, तो हम उसमें फिर इसमें ऐड करेंगे बिफोर ही कुड रन अवे. हैड द पुलिस सराउंडेड हिज हाउस बिफोर ही कुड रन अवे. नाउ एग्जाम्पल्स, द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर सनसेट. इट इज द सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट. द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर सनसेट. इट्स नेगेटिव, द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड बिफोर सनसेट. नो इंटरोगेटिव, हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर सनसेट. नो ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश एंड राइट दैम इन कॉमेंट बॉक्स. बिल्ली चूहों को मार चुकी थी, वो अपनी गाड़ी भेज चुकी थी, वो अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका था. हम ये खबर पहले ही सुन चुके थे. अब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें ताकि मैं चेक करूं कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपके किस हद तक समझ में आया है. और अगर आप चाहें तो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. और अगर आप इसकी और भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस बनाकर उसकी ट्रांसलेशन और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव मुझे सेंड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.